नमस्कार किसान भाइयों, ऐसे किसान से अभी मिलने वाले हैं जो कि 1000 चूजा अभी होम डिलीवर हो रहा है। तो जो किसान भाई देख रहे हैं कि वो होम डिलीवर अभी हो रहा है, सोनाली का चूजा हो रहा है, अभी अरवल में जो कि बिहार के अरवल में महेंदिया के पास बलिदाद गांव में होम डिलीवर हो रहा है, जो कि मेन रोड पर ही है। इनका फॉर्म भी आप लोग देख रहे हैं कि 1000 मुर्गी पालने पर फॉर्म भी बनाए हुए हैं, पहले से ही बना हुआ है। तो चलिए इनका चूजा देखते हैं और इनसे बात भी करेंगे। अभी बच्चों द्वारा ले जाया जा रहा है फॉर्म में चूजा, और इनसे बात भी करेंगे कि कैसे कैसे शुरू किए। तो जो किसान भाई बिहार से, यूपी से, झारखंड से रिलेटेड हैं, तो उनको सभी जगह होम डिलीवर में चूजे मिलते हैं, हमारे हैचरी से पहुंचाए जाते हैं। और इनसे भी बात करवाएंगे कब इन्होंने चिक्स का ऑर्डर किया था, कैसे कैसे मुर्गी पालन करने की सोचा है, और जो चूजा इनको मिल रहा है वो कब मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, तंदुरुस्त है कि नहीं, सभी तरह से जानकारी मिलेंगे। और इनके पिताजी हैं, पिताजी पुत्र सब साथ मिलकर के काम करते हैं और साथ में ही फॉर्म चलाते हैं। तो जो किसान भाई को अभी भी सोनाली मुर्गी के चूजे चाहिए, कड़कनाथ के चूजे चाहिए, डबल एफ जी के चाहिए, असील के चाहिए, RIR के चाहिए, या अंडे चाहिए, या बड़ी मुर्गी चाहिए, तो आप मेरा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए इनके फॉर्म में चल करके दिखाते हैं क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे कर रखे। सबसे पहले तो जो फार्म में पहुंचा है तो टोटल जितना भी बॉक्स में डाल दा, एगो में डाल दा, 17-18 बॉक्स था, उसमें से हम बोले कोई एक बॉक्स से गिन लीजिए कि चूजा आपको एक्यूरेट है या नहीं। तो जैसे मैं कोई एक बॉक्स उठा करके गिनने से पता चल जाता है कि हाँ चूजा कितना, चूजा ये लाए हैं और कितना काउंटिंग है। अभी टेम्परेचर बहुत कम था इनके पास। अब चलते हैं इनके शहर बलिदाद में और वहाँ पहुँच करके आप लोग को तुरंत इनसे बात करवाते हैं। तो जो किसान भाई अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं, सर सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको दिखाते हैं कि बलिदाद अरवल के पार है, महेंदिया के थोड़ा सा, अरवल और महेंदिया के बीच में, बिहार पटना के पास में, पटना से रोड जाती है। अभी देखिए एक बोर्ड को मैं जूम कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर आपको नज़र आएगा बलिदाद, नीचे लिखा हुआ बलिदाद अरवल। तो देखिए सामने मेन रोड बलिदाद अरवल। तो इनका फॉर्म जो है बलिदाद से मात्र 1 या 2 किलोमीटर ही है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम अरवल में महेंदिया के पास जाने वाले हैं, तो पूरा डिटेल सर से जानेंगे। तो अभी सर डाले हैं 1000 सोनाली का चूजा और कड़कनाथ का भी इनका ऑर्डर है और दाना का भी ऑर्डर है। तो जो किसान भाई फार्मिंग करना चाहते हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहली बार स्टार्टअप किए हैं अरुण भाई, इनसे हम जानकारी भी लेंगे और इनका पूरा अनुभव आप लोग देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे कैसे फार्मिंग करने के लिए सोचे हैं और कहां पर सोचे हैं, कैसे कैसे इन्होंने स्टार्टअप किया है। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज हम मिलते हैं अरुण कुमार जी से। चलिए सर, आपका मेरे चैनल में मोस्ट वेलकम है। नमस्कार सर। और सबसे पहले आप हमको अपना नाम, पता और परिचय बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार मड़ेला पर रहने वाला हूँ। अच्छा, जिला आप बता दीजिएगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट अरवल। और बगल में आप लोग देख रहे हैं कि हाईवे भी है, तो ये बिल्कुल अरवल और महेंदिया से कितना दूरी पड़ता है? महेंदिया उल्दाज के बीच में है। किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता है महेंदिया से, मात्र 2 किलोमीटर के करीब में है और मेन रोड पर ही है। तो सबसे पहले आप कैसे कैसे सोचे इस फार्मिंग के लाइन में आने के लिए? ये आपका वीडियो मैं देखता था, अच्छा, इसीलिए आपको मैंने सोचे कि आप करते हैं। हाँ, तो पहले स्टार्टिंग है। तो हाँ, कोई आदमी 500 से शुरू करता है, कोई 1000 से, कोई 10000 से। आप अपना ये 1000 मुर्गी से शुरू किए हैं, क्या सोच करके शुरू किए थे? अब आगे मुझे लेकर जाएंगे, देख ही रहे बनाए हैं कितना। हाँ, फार्म बड़ा बनाए हुए हैं, ये फार्म का वीडियो भी आप लोग को हम दिखाएंगे और हाँ वो दिखा देंगे, आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम डाल देंगे, ठीक है। अब हम अरुण जी से और बात करने वाले हैं कि अभी जो आप 1000 चूजा मंगाए हैं सोनाली का, 500 कड़कनाथ का इनका ऑर्डर है, तो जो सोनाली का कड़कनाथ की ओर जाने का रुझान आपका क्या है, कैसे रहा? जैसे मैं ब्रॉयलर का है नहीं डाले, इसके भी और क्यों जा रहा है? नहीं, ब्रॉयलर का मतलब ना भरोसा करते भरोसा नहीं करते, कहा कि बगल में बड़ा बड़ा फार्म खुल चुका है, इनके बगल में भी है। और पहले आप मेरा वीडियो देखते थे? आपका वीडियो देखते देखते आपका मन करा कि जी करते हैं। अच्छा, और के फिन आपको तो लाइक करते थे? बहुत लाइक करते हैं सर। और तो आओ सबके कहते हैं लाइक करने के लिए, कहेंगे। अच्छा, आप जब चूजा आप डाले तो आपके पास हम आए तो सारी जानकारी दिए या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। और जानकारी दिए, व्यवस्था देख के बताए, तो इससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, बिल्कुल। करने का ऊपर है ना आपका, अब करने का ऊपर है।
और जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, थोड़ा फोनिंग बिजी रहता है, आप भी जानते हैं कि बहुत सारा फोन आते रहता है, जैसे मैं आपके पास भी आए थे, देख रहे हैं इतना कॉल आ रहा है, बहुत कॉल आ रहा है, तो आप मैसेज कीजिएगा, एक आध बार ना भी उठाएं तो 10 मिनट बाद रिप्लाई जरूर देंगे। तो अरुण जी अब स्टार्टिंग कर रहे हैं, कड़कनाथ का भी चूजा लाएंगे, चाहे आगे इनका ब्रूडिंग जब स्टार्ट होगा तो फिर हम कभी आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो जो लोग देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं या ना? बोलते हैं। और जो अरवल के नज़दीक में जो भी भाई हैं कि महेंदिया अरवल के बीच में, वो इनके फार्म पे आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से चूजा रख रहे हैं और कैसे कैसे पालन कर रहे हैं। तो चलिए सर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय बाय।